जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को जय पार्श्वनाथ। जैन भाइयों के लिए एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहूँगा यहाँ से, और मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सभी हिंदू संप्रदाय के जो लोग मुझे मेरे लिए मर मिटने की बात करते हैं, मैं छोटा सा संदेश आप सभी के बीच देना चाहूँगा। महत्वपूर्ण कार्य मेरे चल रहे हैं, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, और वैसे भी फेसबुक ने मेरे लाइव को बैन करके रखा है, इसलिए पेज से मुझे लाइव आना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि पेज से बहुत सारे कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पेज से मजबूरन आना पड़ा क्योंकि मेरे फेसबुक आईडी बंद है। मैं जैन समाज की विडंबना की बात करना चाहूंगा, जैन समाज की दुर्दशा की बात करना चाहूंगा, जैन समाज के शोकांतिका की बात करना चाहूंगा, जैन समाज के अधोगति की बात मैं आप सभी के बीच आप करना चाहूंगा। वो जैन समाज के जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, हृदय से सुनने का प्रयास करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्णों में हम जैनी क्षत्रियो के संज्ञा में बटे हुए हैं। हम जैन क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म क्षात्र धर्म है। हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयों के मैदान में अपने बलिदान दिए, अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुतियां दी, केवल देश देव और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, उनको बचाने के लिए। आज भी हम वही कर रहे हैं, और मैं वही करवाना चाहता हूं आपसे। और जब मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, करवाना चाहता हूं, तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों के मन में, हृदय में इस प्रकार की भावनाएं उमटती है कि वो किसी भी प्रकार से मुझे टारगेट करने का प्रयास करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन टारगेट करता है, लेकिन जब जब धर्म पर विकट परिस्थिति आएगी, जब जब धर्म पर हानि पहुंचेगी, जब जब राष्ट्र पर विकट परिस्थिति आएगी, तब तब सूर्य सागर अवश्य बोलेगा। मरने के अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक, जब तक मेरे शरीर में रक्त की बूंद है, मैं बोलता रहूंगा, बोलूंगा और अपने कर्म कर्तव्य करता रहूंगा। वो कार्य मैं करता हूं जो कार्य मैं आप सभी के बीच सामने नहीं ला सकता, और ना मैं कभी भविष्य में आपके सामने लाऊंगा कि मैंने ये कार्य किए हैं। महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, जैन समाज के सोए उन पदाधिकारियों को, जैन समाज के उन लकड़बग्गों, उन बागड़वीलों, उन तिलचट्टों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि जब कोई महाराज, कोई दिगंबर साधु किसी प्रकार से विकृत कार्य करता है, भलाई करता है नहीं करता है वो तो नहीं जानते, क्योंकि अधिकतर बातें 1% के 100% करने वाले, तिल का ताड़ बनाने वाले हमारे जैनियों में कम नहीं है। तो मैं उन नाजायजों की औलादों को, आज ध्यान रखना मेरे शब्द ऐसे ही होते, जिन्हें पसंद आता है सूर्य सागर, वो निश्चित रूप से सूर्य सागर से जुड़ा रहे, और जिसे सूर्य सागर बर्दाश्त नहीं हो जाता है, वो जाकर के किसी सूखे कुएं में कूद करके छलांग लगा करके आत्महत्या कर ले, जरूरत नहीं है ऐसे लकड़बग्गों की। जैन धर्म का अर्थ ही होता है जो स्वयं को सुरक्षित रखता है, जैन धर्म का अर्थ यही होता है जो देव देश और धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, जैन धर्म का अर्थ यही होता है कि जो देश से सर्वोपरि अपनी इज्जत को नहीं समझता है, अपनी आबरू को नहीं समझता, अपने आबरू से ज्यादा अपने देव देश और धर्म को समझता है। मुझे पता है कि मुझे टारगेट किया जाता है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि देश और धर्म के लिए अगर मुझे सब कुछ दाव पर लगाना है तो मैं दाव पर लगाने के लिए राजी हूं और राजी रहूंगा। मैं सभी ब्राह्मणों से, जो मेरे मित्र है अलवर जिले में, उन सभी से यही बात कहना चाहूंगा इस लाइव के जरिए कि मदद करिए, रक्षा करिए हमारे दो निर्ग्रंथ साधु। वो किन के शिष्य है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास अब मैसेज आया, और 6 दिन से मैं लगातार कुछ पोस्ट देख रहा हूं, लेकिन जैन समाज में इतने निठल्ले भरे पड़े, इतने क्या बोलूं मैं अभी आपको, मोबाइल हाथ में है इसलिए जरा ज्यादा जोर से बोला तो मोबाइल वाइब्रेट करता है। तो मैं यही कहूंगा कि जैन समाज में जो इतने निठल्ले भरे पड़े हैं, उन्हें एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप में साहस है धर्म के प्रति, देश के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कुल के प्रति, अपने गोत्र के प्रति, और महावीर के प्रति, पारसनाथ और आदिनाथ के प्रति आपको विश्वास है, प्रेम है, समर्पण है, आस्था है, तो अब ये कांड बंद कर दीजिए, और जो महत्वपूर्ण कांड है, जो महत्वपूर्ण कर्म है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, वहां पर जाकर के नजर डालिए। अलवर जिले में 2 साधु है, 2 सन्यासी है, वे किनके शिष्य है मैं नहीं जानता, किसी के भी शिष्य हो, चाहे आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य हो, या फिर विराट सागर के शिष्य हो, या देवनंदी हो, या फिर कुंतु सागर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी साधु को अपना शत्रु समझता नहीं हूं, क्योंकि मैं मेरे लायक किसी को शत्रु मानता नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। फेसबुक पर नाना प्रकार की बातें करने वाले लोग करते हैं, हिजड़ों की संख्याओं को मैंने अब मोल देना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ हिजड़ों को पकड़ना भी चाहता हूं, और हम वहां तक पहुंचे भी है, मेरा मुद्दा नहीं है। आज सूर्य सागर अपनी बात लेकर के आप तक नहीं आया है। मैं जैन समाज की इज्जत की बात करना चाहता हूं, जैन समाज की धरोहर की बात करना चाहता हूं, जैन मुनियों की बात करना चाहता हूं, उन मुनियों को बचाना होगा, उन तिलचट्टों को जो पदाधिकारी है, जैन तीर्थ रक्षा कमेटी, जैन सभा, जैन महासभा, अरे तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ आवेदन दिए जाते हैं कि सूर्य सागर को रोको, वो बंदूक चलाता है, सूर्य सागर को रोको वो तलवार चलाता है, सूर्य सागर को रोको वो आचार्य विद्यासागर जी के खिलाफ बोलता है। कहां खिलाफ बोला भाई, मैंने तो इतना ही बोला कि नाव में अगर बैठे हैं तो आप उसका मुझे प्रमाण दीजिए। 4 अनुयोगों में कहां पर आता है कि डीजल लगे हुए इंजन में
आचार्य श्री बैठ सकते हैं। जवाब तो मांगा मैंने, और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हो और कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, ये मार्बल वाला फलाना ढिकना, हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो सूर्य सागर, अरे तिलचट्टो, तुम्हें बताना चाहूंगा मैं, जिस सूर्य सागर ने खुलेआम कांग्रेस को ललकारा और कांग्रेस को गर्त में ढकेल दिया, जिस सूर्य सागर ने मुल्ले मौलवियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिस सूर्य सागर को आईएसआईएस तक धमकी देता है, पाकिस्तान तक मेरे वीडियो बनाए जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि तिलचट्टो, तुम्हारे करोड़पति, तुम्हारे मार्बल फरबल अपने पिछवाड़े में डाल दो। याद रखना, सूर्य सागर से लड़ने की औकात तुम्हारी नहीं है। पहले अपने धर्म को बचाओ, पहले अपने राष्ट्र को बचाओ, अरे अपने परिवार को ही बचा लो। तुम किसी साधु ने कोई कांड कर दिया तो बहुत प्यार से आप लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हो, देखो ये साधु के, और तुम्हारी माता बहने जो कुकर्म करके आती है, क्या तुम वो भी पेपरों में देते, अखबारों में देते हो, क्या वो वीडियो शेयर करते हो व्हाट्सएप के जरिए, क्या अपने परिवार को बदनाम करते हो? नहीं करते हो। तुम अपने परिवार को, अपने माँ बहन की इज्जत को, उनकी असमत को तो बाहर नहीं नीलाम करते, तो दूसरे साधुओं के ऊपर टारगेट करने से पहले अपनी औकात अवश्य देख लेना चाहिए। और वो पदाधिकारी जो तीर्थरक्षा कमेटी के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा कर अपने गले में जीते जी माला पहनते, मैंने इतना सुना है, जाना है, और मेरा अनुभव है, आपका भी अनुभव है ही। हम हमारे घरों में अगर तस्वीरें लगाते हैं हमारे बाप दादाओं की, अगर वो मर चुके तो उनके गले में माला डालते हैं, और ये हराम लोग जीते जी अपने गले में माला डालते हैं, मर गए जीते जी, और वो साधु उनके नामों की प्रतिष्ठा गाई जाती है, जो साधु ऐसे लोगों को माला पहनाते हैं, ऐसे लोगों के नाम माइक में लेकर के प्रशस्तियां करते हैं। मैं वैसा साधु नहीं हूं, मेरे को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। संदेश देना था, 5 मिनट हो गए 10 मिनट, लेकिन फिर भी बात देना चाहूंगा। दो साधु है, एक का नाम संयम सागर जी है और एक सुझाव सागर जी, दो निर्ग्रंथ साधु है, दो निर्ग्रंथ सन्यासी है। 28 मूलगुणों का पालन करने वाला वो व्यक्ति, वो सन्यासी जो अपने लिए नहीं जीता है, वो देश और समाज के लिए जीता है, महावीर के लिए जीता है, उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है अनशन पर बैठने की? लेकिन अनशन पर वो इसलिए बैठे क्योंकि अलवर जिला के रेणी गांव में नसिया जी पर कुछ ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। वहां पर उन्होंने प्रेम से समझाने का प्रयास किया, प्रशासन भी मिली हुई है। ये आचार्य सूर्य सागर हमेशा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों के साथ रहा है। ये जैन सन्यासी आचार्य सूर्य सागर कभी भी किसी प्रकार का भेद और अभेद नहीं किया, चाहे जैन श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, या हिंदू हो, या कोई और क्यों ना हो, मैंने सबको अपनी एक श्रेणी में ही रखा है। तो मैं उन जैन धर्म के पदाधिकारी जो बार बार किसी साधुओं के कुकर्मों को, कुकर्म तो है ही नहीं, तुम लोगों ने सर चढ़ा के रखते हो, तुम लोग पेपर हो, तुम लोग उनको टीवी में लाते हो फलाना, इस सूर्य सागर की इतनी औकात है, ताकत है कि लाइव आकर के तुम लोगों की धज्जिया उड़ाता है, इसी को मर्दानगी बोलते हैं। पैसे फेंको और चैनल पर आ जाओ, वो तो कोई हिजड़ा भी आकर के चैनल पर बोलने लगेगा, वो बात नहीं, लाइव आकर के ताकत रखो शत्रु बनाने की, जिसके जीवन में शत्रु नहीं मर जाना चाहिए उसने। मेरे जीवन में हजारों नहीं कितने शत्रु है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जीवन साहस से भरा पड़ा है तभी मेरे जीवन में शत्रु हो गए। तुम्हारा जीवन तो नारकीय जीवन है, कोई है नहीं तुम्हारा, शत्रुता बनाओ अपने से ताकतवर लोगों के साथ। मैं महत्वपूर्ण बात यही कहना चाहूंगा, मुझे लगा था 10-15 लोग जुड़ेंगे पेज से, लेकिन साथियों 170 लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आप सभी को हृदय से आशीर्वाद। बस इतना याद रखिए कि आवाज कभी नहीं रुकनी चाहिए, मरते दम तक बोलता रहूंगा, वही कार्य करूंगा जो मेरे देव और देश और धर्म के लिए होगा, मेरी माता बहनों की इज्जत के लिए होगा, करूंगा। सूर्य सागर आज नहीं रहेगा, कल चला जाएगा, मरने की बात अलग है, आज जिंदा हूं, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मौत भी इतिहास और एक तालीम बन जाएगी आपके लिए। जरूरत नहीं है ऐसी जिंदगी की, ऐसी कायरों की, ऐसी नपुंसकों की जिंदगी आवश्यक नहीं है मुझे। अभी हमारे अब बहुत सारे साधु चातुर्मास कर रहे, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, और फल मालाएं, ये राजनेता, वो राजनेता, लोग ये कहते कि मेरे यहां मोदी आए तो मोदी साहब हमारे आशीर्वाद से जीते, क्यों मोदी साहब का कोई अपना पुरुषार्थ नहीं क्या, किसी के आशीर्वाद से कोई जीता है क्या? फिर राहुल गांधी कैसे हारा, उसके पीछे तो तुम लोगों के भी हाथ थे, हारा कैसे वो? याद रखो, किसी के आशीर्वाद से दिशा और दशा बदलती है, लेकिन किसी नेता को जिताया नहीं जा सकता, एक सन्यासी कह रहा है। मैं भी अपनी दुकान खोल लूं और कई नेताओं को लल्लू बना दूं, नेताओं को लल्लू बनाना बहुत नॉर्मल बात होती है, आप लोग नेताओं को गाली देते हैं, मैं तो जानता हूं नेताओं जैसा लल्लू कोई नहीं होगा, उनको आसानी से लल्लू बनाया जा सकता है, लेकिन हम नहीं वो कार्य करेंगे। मैं यही कहूंगा कि अगर जैन धर्म को बचाना चाहते हो तो अलवर जिले में रेणी गांव में दो सन्यासी बेचारे 6 दिन से भूखे प्यासे है रे, खाया नहीं है उन्होंने जैन धर्म का उपवास, आप जानते हो ना जैनियों,
दूसरे धर्म के अर्थात हिंदू हो या कोई और हो, वहां पर उपवास का मतलब एक बार भोजन तो भी ग्रहण किया जाता है, पानी भी पिया जाता है। मेरा जैन धर्म, मेरा जैन शासन उपवास के दिन में पानी की एक बूंद तक लेने के लिए इजाजत नहीं देता। और वो दिगंबर जैन सन्यासी 6 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, पड़े हैं वहां पर, उनकी कोई खबर लेने को तैयार नहीं। किसी व्हाट्सएप ग्रुपों में, किसी फेसबुक में उन साधुओं के नामों का उल्लेख नहीं, शर्म से डूब मरना चाहिए उन जैनियों को जो ऐसी बातें न्यूज़ें फैलाती है। ये साधु का वीडियो, अरे तुम्हें क्या रस लेना है? एक साधु ने कांड किया, वो जाएगा नरक, वो जाएगा स्वर्ग, वो जाएगा अपनी गति, तुम्हें क्या लेना देना है? कौन साधु क्या कर रहा है? जो साधु आज वास्तविकता में जिनको तुम्हारी आवश्यकता है, वहां पर जाइयो पदाधिकारियों, और अगर तुम्हारे साथ ताकत है लड़ने की सुधा सूर्य सागर के साथ, तो आकर के एक बार तो आओ। 15-16 साल से भौंक रहे हो बस सूर्य सागर को, फलाना ढिकना टिमका। अरे यार एक बार आ जाओ, तुम्हारा लाइव बना दूंगा मार खाते हुए। तुम लोगों को मारोगे, तुमको मारूंगा तुम्हें, तुम उसी लायक हो। जैन धर्म की, जैन का अर्थ हो, अर्थ है जिसने स्वयं के इंद्रियों को जीता है। यह चरित्र की कोई कदर नहीं करता है जैन समाज का, सन्यासी की चरित्र, उज्जवल चरित्र की यहां कोई कदर नहीं करता। उस सन्यासी की कदर यहां नहीं होती जो देश और धर्म के लिए लड़ता है, लेकिन उस सन्यासी की कदर अवश्य यहां पर इस जैन शासन में, जैन धर्म में लोग करते हैं जो स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए तुम जैसे बड़े लोगों के तलवे में बैठता है। देखा है मैंने, और मेरे पास सहस्त्रों प्रूफ है, इसलिए मेरे खिलाफ आवाज उठाने में जरा सोचना पड़ता है तुम लोगों को। बस इतना ही कहूं कि जो दो दिगंबर साधु अनशन पर बैठे हैं अलवर जिले के रेणी गांव में, वहां जाकर के उनकी सुरक्षा करो। मैं तो उन्हें जानता तक नहीं वे कौन है, लेकिन 6 दिन से लगातार देख रहा हूं किसी भी ग्रुप में उनकी खबर नहीं, प्रशासन भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। और मुझे यह विश्वास है अगर मैं उस अलवर जिले के रेणी गांव में हस्तक्षेप करूंगा तो सूर्य सागर में उतना साहस है कि वो क्षेत्र बंधन मुक्त करा देगा, इतना ताकत मेरे में है। लेकिन जब तुम्हारे मंदिरों के सामने मांस मटन पका करके खाया गया और मैंने विरोध किया, जब मैंने विरोध किया तो मुझे गालियां जैन समाज के लोगों ने दी, जैनियों ने गाली दी, मेरे बंदूक के वीडियो वायरल किए, तुम लोगों ने किए, इसलिए किए क्योंकि जैन साधु है बंदूक उठाता है। लेकिन लकड़बग्गो तुम्हें यह पता नहीं कि मैंने अगर किसी का विरोध किया और मैंने अगर किसी लोगों का विरोध किया, उन लोगों का विरोध किया जो तुम्हारे मंदिरों का, धर्म का, साधुओं का अपमान कर रहे थे, जब मुझ पर गोलियां दागी गई तो मुझे मजबूरन शस्त्र उठाना पड़ा, इसीलिए क्योंकि तुम लोगों ने मेरी सुरक्षा नहीं की। तुम मेरी सुरक्षा करो, रखो मेरे आश्रम में 10 लोग जैनी हो, मैं बंदूक हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तलवार को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी जरूरत, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो आ जाइए, मेरी सुरक्षा करो। तुम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, मेरी रक्षा करोगे? मेरी तो बात छोड़ दीजिए, आज मेरा मुद्दा नहीं है, मैं आप काफी अलग हूं। बस इतना ही है, वो किन के शिष्य है मैं नहीं जानता, सुझाव सागर जी गुरुदेव महाराज श्री और संयम सागर जी, पता नहीं बेचारे किन के शिष्य है, लेकिन भूखे प्यासे है, 6 दिन हो गया है, आज 7वां दिन है उन्हें, तो कम से कम वहां पर जैन समाज के प्रतिष्ठित लोग वहां पहुंचे, उनका अनशन तुड़वाइए। उन सन्यासियों की मांग क्या है वो देखिए, मांग उनकी खुश निजी नहीं है, उन्होंने यही कहा कि मैं एक मिनट देखता हूं, अलवर जिले, अलवर के रेणी गांव के अति प्राचीन जैन नासिया है जहां पर ब्राह्मण परिवार नाजायज तरीके से जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसमें वहां के प्रशासन की भी मिली भगत है, तो वहां पर किसी ब्राह्मण परिवार ने उस नसिया जी पर जबरदस्ती अपना कब्जा किया है, तो मैं इस लाइव के जरिए उस ब्राह्मणों को, वो जो भी परिवार है जिन्होंने हमारे उस धरोहर पर कब्जा करके बैठा है, याद रखिए सूर्य सागर अगर तुम्हारे पीछे पड़ गया तो तुम्हें सिर्फ रेणी गांव नहीं, अलवर नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में भी रहने के लिए, समझ लीजिए ये लाइव है, इसके जरिए ये मेरी प्यार भरी धमकी समझ लेना। उन हमारे गुरुदेव, हमारे जो दो सन्यासी है, उनकी वहां पर उनको किसी भी प्रकार से अगर हानि पहुंची तो याद रखना, भले ही जैन समाज की मुझे जरूरत नहीं, मुझे जैनियों के सहायता की आवश्यकता नहीं, मैं तो चाहता था कि जैनियों के लिए मैं ना बोलूं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, हमारे दो साधु वो किसके शिष्य है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो सन्यासी है। मैं जैन समाज के लिए नहीं, मैं हिंदुओं के लिए भी लड़ता हूं, मैं निचले से निचले जाति के लोगों के लिए बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों में बांटा गया, यह हमारा नैतिक सभ्यता है, नैतिक सभ्यता है, इसीलिए बोलना पड़ा। मैं हर व्यक्ति के लिए अगर करता हूं, जो व्यक्ति मुझे गालियां देते हैं उनके परिवार की भी सुरक्षा करता हूं, उनके परिवार के लिए भी अगर मैं मदद करता हूं तो वो तो दिगंबर सन्यासी है, उनके लिए अगर मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा। तो मैं जैन समाज के सभी पदाधिकारी, शत्रुता मुझसे जितना रखना है रखो, मुझे जितनी गालियां देना है दे दो, मुझे आदत है, मुझे जितना टारगेट करना है करो,
फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरे बारे में जितनी गालियां देना है दे दीजिए, तुम्हारे को अगर खुशी मिलती है तो तुम करो। मैं जानता हूं अगर मैं बेबाक बोलता हूं तो मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ एक भी नाखून के अंदर समाये हुए उस मेल के जितना भी कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं ला सकता है, क्योंकि इसीलिए मैं बेबाक बोलता हूं। और जो बेबाक बोलता है समझ लीजिए उसका हाथ तुम नहीं पकड़ सकते। तो मैं यही बोलूं मेरे खिलाफ जितना करना है करें, लेकिन उन दो साधुओं की जिंदगी को बचा लीजिए, 6 दिन से भूखे हैं प्यासे हैं। और मेरे सभी हिंदू भाइयों को मैं कहूंगा, जो भी अलवर जिले से संबंधित मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू युवा वाहिनी के लोग जो मेरे साथ अलवर से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा। ये दिगंबर जैन सन्यासी कभी किसी के पास भिक्षा नहीं मांगता, पर आपसे मैं भिक्षा मांगता हूं, हमारे दो साधुओं की रक्षा करो। यही समझ लीजिए कि आपने आचार्य सूर्य सागर के ऊपर एहसान किया, उपकार किया, और यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। जाइए यहां पर एक दिन अगर भूख आप पानी नहीं मिलता तो कितना यातना होता है। हम सन्यासी है, हमें आदत है 10-10, 15-15 दिन निर्जल रहने की, लेकिन उपोषण अलग होता है, उपवास अलग होता है। हम उपवास जब आत्मिक साधना के लिए करते हैं तो बल मिलता है, लेकिन उपोषण से काया निश्चित रूप से मन विशेषण रहता है और आर्तरुद्र ध्यान प्रतिपल होता है, उसी कारण साधुओं को बड़ी पीड़ा हो रही होगी। तो मैं सभी जैनियों को, चाहे मेरे विरोध करने वाले ही क्यों ना हो, सभी को यही कहूंगा मेरा विरोध धड़ल्ले से करो, लेकिन उन दो साधुओं की रक्षा करो। वरना अगर भगवान न करे उनके लिए भी मुझे शस्त्र उठाना पड़े और रक्त बहाना पड़े तो ये सूर्य सागर अब पीछे नहीं हटेगा। उस नसिया जी पर कब्जा करने वाले वहां के उन ब्राह्मणों को और वो प्रशासन, इसी लाइव के जरिए आपको चेतावनी दे रहा हूं, हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने की औकात दोबारा अपने दिमाग में मत डालना, क्योंकि जैन कायर नहीं है। हमारे जैन धर्म में अहिंसावादी है, लेकिन सूर्य सागर जैन धर्म के उस सिद्धांत को मानता है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, मेरे देव देश धर्म की रक्षा के लिए। जिस सुधा सागर जी, विद्यासागर जी, प्रमाण सागर जी का मैं कभी विरोध करता हूं, अगर उनके खिलाफ भी कोई आवाज करेगा तो मैं उस आवाज को परमानेंट बंद करने की ताकत रखता हूं। वो हमारा धर्म का मसला है, हम साधुओं का मसला है। हम साधु अगर दूसरे साधु पर टारगेट करते हैं तो ये हमारा मसला होता है। किसी भी श्रावक को बीच में उंगली करने का अधिकार नहीं है। जाइए बचाइए वो दो साधु, उन संयम सागर जी और सुझाव सागर जी को मैं हृदय से नमन करता हूं। और ऐसे हाँ, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, पूरी डिटेल बस इतना ही है, पूरी डिटेल कि अलवर जिले में जो रेणीगांव है वहां पर एक नासिया जैन समाज की, जैन धर्म की एक धरोहर है जो बहुत ही प्राचीन है। वहां पर कुछ समय के लिए जैसे लोग हम किसी को किराए का घर देते हैं तो लोग कब्जा कर लेते हैं। कानून और हमारा संविधान ही इस प्रकार से बना हुआ है कि यहाँ पर लुटेरों को ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है। तो जिन लोगों को वहां पर शरण दी गई थी वे ही लोग वहां पर आकर के कब्जा कर बैठे हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जो भी बात है वहां पर, आप जो भी अलवर से जुड़े हुए, रेणीगांव से जुड़े हुए हैं, मेरे जैन जो मुझे चाहते हैं, जैन समाज के, जैन धर्म, चाहे श्वेतांबर दिगंबर, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए सारे एक समान है, एक माला के मोती है। जाइए और हमारे दो साधुओं को बचाइए यार, बचाइए बस। मेरी मजबूरी है, मैं गाड़ी में प्रवास नहीं करता, और अगर आप लोग उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये सूर्य सागर यहां से हेलीकॉप्टर से बैठ करके सीधा अलवर उतरेगा। मैं किसी से डरूंगा नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऐसे धर्म को मैं मानने को तैयार नहीं जहां तुम अपने साधुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं। और ये जो विश्रांत सागर क्या है वो तो मैं नहीं जानता, नाम नहीं लेना चाहता, गलती हो गई, माफ करो। वो वीडियो वायरल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो करने से बेहतर अपने धर्म की रक्षा करो। जय श्री राम, जय पारसनाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी ने मेरा सहयोग किया, धन्यवाद। और मैं इस संदर्भ में सचिवालय अब बात करूंगा, अलवर जिले के प्रशासन से भी मैं अभी बात करता हूं, और अगर उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया तो ये सूर्य सागर आगे क्या करेगा निश्चित रूप से देख लीजिए। जय श्री राम।